Like a Hellcat. Hello everyone, welcome again. This is Vinay Pandey here again. Topology of real numbers का next video. इस video में हमारा जो main focus रहेगा वो रहेगा closed sets पे. तो closed sets को पढ़ने के लिए आपको neighborhood से लेकर के open sets तक सारे concept clear होने चाहिए. आप उन videos के लिए description में जा करके उन videos के link से उन videos को देख सकते हैं. बात करें अगर open set की, ओपन सेट की अगर हम बात करें, किसी भी सेट ए को हम ओपन सेट कब कहते हैं, जब ये ए क्या होना चाहिए, नेबरहुड होना चाहिए ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स. ए के अंदर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर वो सारे पॉइंट्स के लिए ए नेबरहुड का काम कर रहा है, तो हम इस ए को कैसा सेट बोल रहे थे, ओपन सेट बोल रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल एग्जांपल मैं ले रहा हूं. जैसे हमने x एक एलिमेंट ले लिया a का. अब हमने क्या किया, x को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल लिया, छोटा सा ओपन इंटरवल. क्या होगा, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन. x को कंटेन करने वाला जो ये ओपन इंटरवल है, अगर ये a का सबसेट हो जाए, तो हम बोलेंगे कि a इज अ नेबरहुड ऑफ x. देन A is a neighborhood of X. तो किसी भी सेट को, किसी पॉइंट का नेबरहुड कब कहा जाता है, जब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल उस A सेट के अंदर अगर आ रहा है, तो वो सेट A इसका क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा X का. या फिर हम ये बोल सकते हैं कि X is an interior point of A. X A का इंटीरियर पॉइंट होगा, या A X का क्या होगा, नेबरहुड होगा. ये तो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया. अगर ए के अंदर सारे जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स के लिए अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, कहने का मतलब ये है कि ए अपने अंदर जितने पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, उन सारे पॉइंट्स का अगर वो नेबरहुड है, तो उस ए को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेट बोलते हैं. तो क्लोज्ड सेट्स ऑटोमेटिकली जो डेफिनेशन बनी है वो ओपन सेट पे ही बेस्ड है. तो ओपन सेट पे ज़्यादा फोकस करना है हमको. तो अगर कोई सेट ए अगर ओपन सेट है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सेट. तो किसी सेट का क्लोज्ड होना या ना होना, उसके कॉम्प्लीमेंट के ओपन होने पे डिपेंड करता है. अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे एक इंटरवल है ए, हमने ले लिया 1, 2, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये आएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी. ये जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ये ओपन सेट नहीं आ रहा, क्योंकि क्लोज्ड आ रहा है यहाँ पे. तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूँ, ये ए को मैं क्लोज ले लूँ, तो यहाँ ऑटोमेटिकली इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, दोनों साइड ओपन हो जाएगा. तो एक कॉम्प्लीमेंट जो आ रहा है वो ओपन आ रहा है. अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो वो सेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. तो बार बार मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि किसी भी सेट का क्लोज्ड होना उसके कॉम्प्लीमेंट के ओपन होने पे डिपेंड करता है. तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन, लेट ए इज एनी सबसेट ऑफ आर, आर मीन्स रियल नंबर्स, देन ए इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ओपन. ये डेफिनेशन हो गई इसकी. एक नोट करके ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फाई क्या होता है, हमने पढ़ा था फाई क्या होता है, ओपन सेट होता है, क्योंकि फाई नेबरहुड का काम करता था.
तो ये फाई अगर ओपन सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। अब आर क्या होता है? आर ओपन सेट होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में सब किया हुआ है। आर का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? फाई। तो आर क्या हो जाएगा? क्लोज्ड भी हो जाएगा। देखिए अब आर यहां पे ओपन और क्लोज दोनों आ रहा है, सॉरी यहां पे फाई की बात हो गई है, आर का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे आप देखिए आर जो है क्लोज्ड भी है और ओपन भी है, और फाई क्या है? ओपन भी है क्लोज्ड भी है। तो अगर आपसे कोई भी एग्जाम्पल पूछा जाए, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कोई भी सेट बताओ जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? या तो फाई आप कह लें या फिर आप सेट ऑफ रियल नंबर्स कह सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, क्योंकि ओपन तो ऑलरेडी होता है वो हमने पहले देखा था, और ओपन का कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसको हम क्लोज्ड बोलते हैं। तो रियल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी होगा। तो किसी भी सेट का क्लोज होना उसके कॉम्प्लीमेंट के ओपन होने पर डिपेंड करता है। तो किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया तो उसके उस सेट को हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सेट बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स क्लोज्ड सेट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, न्यूमेरिकल्स को आप ध्यान से देखिए, आपका क्लोज सेट्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले न्यूमेरिकल में आते हैं, हमको एग्जाम्पल देना है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरवल विच इज अ क्लोज्ड सेट। अगर एक जनरल आइडिया की बात करूं मैं, कोई भी ओपन इंटरवल अगर मैं ले लूं, क्योंकि ओपन इंटरवल क्या होता है, अपने इसके अंदर जितने पॉइंट इसके अंदर कंटेंड है उन सब का ये नेबरहुड होता है। तो अगर ये सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? ओपन। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड। तो सीधा सीधा अगर आपको याद रखना है तो किसी भी ओपन इंटरवल को हमेशा हम ओपन सेट बोलेंगे और किसी भी क्लोज इंटरवल को हमेशा क्लोज सेट हम बोलेंगे। तो आपको पहला जो आंसर देना है वो ये है, एक ऐसा इंटरवल बताना है जो क्लोज्ड सेट हो। तो क्लोज सेट के लिए आप कोई भी क्लोज इंटरवल लिख लीजिए, क्योंकि इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी से 2 का ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो ये दोनों ओपन इंटरवल हैं, और ओपन इंटरवल अगर है तो ओपन सेट हो जाएगा ये। और ये ओपन सेट कहां से आया? इसका कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला। अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन आ जाए तो वो सेट क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। तो ये सेट क्या हो गया? क्लोज्ड। ये पहले वाले पार्ट का आपका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं इसके। सेकंड, एन इंटरवल विच इज नॉट अ क्लोज सेट। तो आपको दूसरा एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो क्लोज ना हो, यानी कि ओपन होना चाहिए। 2, 3 ये ओपन है तो इसको आप क्लोज सेट नहीं बोलोगे, तो सिंपल एग्जाम्पल हो गया। थर्ड, अ क्लोज सेट अदर देन इंटरवल। आपको एक ऐसा क्लोज सेट बताना है जो इंटरवल की फॉर्म में ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2, 3 मैंने ले लिया, ये इंटरवल नहीं है, सेट की फॉर्म में है। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें तो कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? माइनस इंफिनिटी से 2 का ओपन इंटरवल यूनियन 2 से 3 का ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इंफिनिटी का ओपन इंटरवल। इसमें देखिए अब 2 और 3 नहीं आ रहा है, और 2 और 3 नहीं आ रहा है इट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ये कैसे सेट आ रहा है? देखिए आप सारे के सारे इंटरवल ओपन है तो ये ओपन सेट हो गया, क्योंकि हमने देखा था कि फाइनाइट ओपन इंटरवल या फाइनाइट ओपन सेट्स का यूनियन भी ओपन सेट आ रहा था। इसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, और वो कॉम्प्लीमेंट कैसा सेट आ रहा है? ओपन आ रहा है। तो जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला था अगर वो ओपन आ रहा है तो वो इटसेल्फ सेट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो ये सेट किसका काम कर रहा है? क्लोज्ड का, और इंटरवल के फॉर्म में भी नहीं है। नेक्स्ट, सेट विच इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, सेट ऑफ रियल नंबर आप ले सकते हैं, ये क्लोज्ड भी होता है ओपन भी होता है, फाइव भी ले सकते हैं। सेट विच इज नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड, इसमें दिमाग लगाइए, एक ऐसा सेट आपको बताना है जो ना तो ओपन हो ना हो क्लोज्ड। इस इंटरवल को एक साइड ओपन एक साइड क्लोज किया मैंने, तो ओपन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ओपन सेट होने के लिए उसका ओपन इंटरवल होना जरूरी है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी से 2 का क्लोज इंटरवल यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब इसमें देखिए एक क्लोज इंटरवल आ गया, तो ये भी ओपन नहीं आ रहा है। तो एक ऐसा इंटरवल, एक ऐसा सेट हमने लिया जो यहां भी ओपन नहीं आ रहा है, यहां भी ओपन नहीं आ रहा है, दोनों ओपन नहीं है, तो उसका मतलब ये भी क्लोज हो गया और ये भी क्लोज हो गया। समझ रहे हो आप इस बात को?
लेकिन अगर हम इस सेट को हम क्लोज्ड हम कब बोलेंगे, मैंने सपोज ये मान लिया कि ये सेट जो है वो क्लोज्ड है, अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट यहाँ ओपन नहीं आ रहा है, तो उसको आप क्लोज भी नहीं बोल सकते या फिर, क्योंकि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन आएगा तभी उस सेट को आप क्लोज बोलोगे। इसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वो भी ओपन नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ना तो ये क्लोज है और ना ही ओपन है। तो ऐसे ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओपन सॉरी क्लोज सेट्स का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, कुछ थ्योरम है इस पे बेस्ड। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी वो आपके सामने में लेकर के आऊंगा। तो वन बाय वन सीक्वेंस में रियल एनालिसिस के इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे फोकस करते रहें, क्योंकि पूरी रियल एनालिसिस इन्हीं पे बेस्ड है।